हेल्थ चैनल में मैं विशाल साठे आपका फिर से स्वागत करता हूं। मेरे पीछे देखिए जो बहुत सारी वनस्पति लगी हुई है, ऐसा लगता है किसी खेत में मैं खड़ा हूं, लेकिन एक्चुअली ये खेत नहीं है, ये एक खरपतवार है जो हर कहीं लगा हुआ है। आप देख रहे होंगे यही पौधा है जो सब जगह पे लगा हुआ है। क्या आप इस पौधे को पहचान सकते हैं? इसे बड़े छोटे फूल लगते हैं, ये अभी अपने फूलों के सीज़न इसका ख़त्म होने आया है। एक्चुअली बड़ा छोटा इसे मरून फूल लगता है। आयुर्वेद में इसकी बहुत प्रशंसा की हुई है। ये महान वनस्पति जवासा है। ऐसी एक बूटी आती है धमासा, ऐसी कांटे होते हैं धमासा को, और ऐसे ही ये रेगिस्तानी इलाके में लगता है धमासा। ये उससे इसे कंफ्यूज मत कीजिए, ये धमासा नहीं है, ये जवासा है। ये देखिए मेरे उंगली के रेफरेंस में आप देख पाएंगे कितना छोटा फूल है। इसे मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही छोटा फूल है। धमासा को भी इसी तरह का फूल लगता है, लेकिन धमासा के पत्ते जो हैं वो छोटे होते हैं इसके जवासा के कंपेरिजन में, और उसे 5 पंखुड़ियों वाला फूल लगता है। लाइट पिंक फूल लगता है धमासा को, जबकि जवासा को ये थोड़ा सा गहरा पिंक फूल लगता है। दोनों ही वनस्पतियों को तेज कांटे होते हैं। दोनों ही वनस्पतियां रेगिस्तान में और सूखे प्रदेशों में लगते हैं। ये जो जवासा है ये अत्यंत ज़बरदस्त वनस्पति है। ये हर तरह के कफ के विकारों में बड़ी काम करती है, यानी ये कफ को सुखाता भी है, और इसके सेवन से फेफड़े जो हैं उसमें श्वसन क्रिया जो है वो आसान हो जाती है, और सांस लेने की परेशानी हो रही हो तब ये खास करके दिया जाता है कफ के विकारों में। तो ये कफ को और पित्त को भी ये बैलेंस करता है, तो ये पेट के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त वनस्पति है। पेट के ये हर तरह के विकार दूर करता है। आयुर्वेद में इसे दीपन बताया गया, यानी कि ये डाइजेस्टिव फायर को ये प्रबल बनाता है, तेज बनाता है। इसे बहुत बड़े बड़े कांटे हैं, देखिए कितने बड़े कांटे हैं इसे। और इसके अलावा ये रुचिकारक भी है, यानी ये भूख को भी बढ़ाता है, और ये पाचक है, यानी ये पचन के क्रिया को ये अच्छा करता है। और इसके अलावा ये हर तरह के पेट के विकार दूर करता है, जहाँ पे अगर पेट में कीड़े भी हो गए हों उसे भी ये दूर करता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त एंटीबैक्टीरियल भी है, ये तेज़ कीटाणुनाशक है, और ये खास करके पाइल्स और बवासीर में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो इसके लिए भी ये खास जाना जाता है, पाइल्स के और बवासीर के और भगंदर जैसे विकारों में भी इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये कार्मिनेटिव है, यानी कि ये गैस को कम करता है, गैस को स्पेशली ये शरीर में नीचे की तरफ ये ढकेलता है और शरीर में से बाहर निकालने में मदद करता है। और इसके अलावा ये डायूरेटिक भी है, यानी कि ये मूत्रल है। ये इसका जो गुण है वो बहुत स्वाभाविक है और आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में जितने भी खरपतवार है सभी के सभी मूत्रल होते हैं। ये मैंने काफ़ी बार आपको ये मेरा रिसर्च और ऑब्जर्वेशन जो है वो डिस्कस किया है। तो ये भी मूत्रल है, अगर मूत्र करते समय जलन हो रही हो या किसी भी तरह का अगर मूत्र विकार हो इसमें भी इसे दिया जाता है। और क्योंकि ये पेट के विकारों में इतना अच्छा काम करता है, तो ये भी मैंने लॉजिक आपको बताया है। मेरे हमेशा ही वीडियोज़ में मैं ये बताता हूँ कि जो भी वनस्पतियाँ पेट के विकारों को ठीक करती हैं वो वनस्पतियाँ स्किन के डिसऑर्डर्स में भी बहुत अच्छी होती है। तो ये बहुत स्वाभाविक रूप से ये हर तरह के चर्म विकार में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर किसी को किसी भी तरह का चर्म विकार हो गया है, इसमें दूसरी वनस्पतियों के साथ इसे भी दिया जाता है, उससे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। और इतना ही नहीं, अगर सिर्फ इसके चूर्ण का लेप भी करते अगर चेहरे पे, तो भी चेहरा खिल उठता है। ये इतना ज़बरदस्त काम करता है चर्म विकारों में, या ये स्किन के लिए इतना अच्छा है। और ये जवासा जो है वो तकरीबन 4 फीट जितना भी ऊंचा हो जाता है। और आप नहीं मानेंगे, इसकी हैरान करने वाली एक बात है कि इसकी जड़ बहुत अंदर तक जाती है।
इसकी जड़ जो है वो 6-6 फीट जितनी अंदर पाई जाती है और इसकी पाउडर का सेवन किया जाता है। खास करके इसके जो फूल हैं और इसके पत्ते जो है और इसका जो तना है उसको बहुत इस्तेमाल किया जाता है और इसका बहुत कम डोज लिया जाता है क्योंकि ये एक तेज़ वनस्पति है, तो तकरीबन 1/4 चम्मच या उससे भी कम इसका सेवन किया जाता है और ख़ास करके खाना खाने के बाद इसे सेवन किया जाता है। यूजुअली इसे खाली पेट इसका सेवन नहीं करते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त वनस्पति है और इसके असंख्य फ़ायदे हैं। एक्चुअली ये डायबिटीज़ में भी बहुत अच्छा काम करता है और जो भी शुगर वाले हैं उनके लिए भी ये खास करके एक वनस्पति है जिससे वो अपने मधुमेह को कंट्रोल में ला सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी बार ऐसे भी इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे इसको लेने से बहुत ज़्यादा शुगर कम हो जाने का भी कभी कभी खतरा हो जाता है, ऐसा भी कहा जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना वीडियो को ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से ही YouTube को ये पता लगता है कि ये वीडियो काम का है, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। तो मैंने मेरा काम किया है, अब आपकी बारी है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगले एपिसोड तक विशाल साठे को दीजिए इजाज़त। बाय।